वेलकम दोस्तों साढ़े यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी वधिया दिन चढ़िया, मैं हाले सौ के ही उठा सीगा थोड़ी देर पहला, तो मैडम का छुट्टी नहीं मिली, तो फिर उन्होंने ड्रॉप कर जाना काम से। सो देख सकते धुप निकली है, बहुत सोहना मौसम है। अज का अच इन्हों फ्रेंड भी आएंगे तो उन्होंने भी पिक करना है। अज दोवों छुट्टी नहीं मिली, सो मेरी भी क्लोजिंग है। आई एम होपिंग कि शिफ्ट वधिया इंबैलेंस जहाँ रहेगा, असी काम से भी जावे, थोड़ा इंजॉय भी होएगा। एंड एक सरप्राइज इस वीडियो की एंड च, जो मैडम तो हो गया सीगा, जो मैडम की गलती करके होया सी, वो गलती नू सही करन दे लई मैनू अज ढेर सारे डालर खर्चने पैणगे। वो देखन दे लई प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक जरूर रहो, क्योंकि इस वीडियो के एंड च दसांगा कि कीड़ी सी वो चीज़ जिदे करके सानू इन्ना ज़्यादा धन दौलत उड़ा देनी पैनी है। सो मेक श्योर तुसी एंड तक कनैक्ट रहो। मैडम ने हुण काम तो ड्रॉप करता है, तो ऑलमोस्ट तीन चार घंटे लिए हुण मैं फ्री हाँ स्किप लाने लिए, क्योंकि मैं घर भी जाके वैसे भी बोर ही होना चाहिए, तो मैं सोचा ऑन साइड मैं थोड़ी स्किप ला लवा। फील लाइक के वधिया मैनू ऑर्डरस भी आएंगे, क्योंकि इट्स अ फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे, संडे थोड़ा ऑफ च चलता है, यानी कि थोड़ा जहा इम्बैलेंस चलता है। नहीं तो यह तीन दिन काफ़ी वधिया होंगे ने, खासकर शाम का टाइम। आई फील सो स्किप ओबर तो डोर डैश लाने लिए, जिहड़े जिहड़े स्किप ओवर डोर डैश लाते हैं प्लीज़ कॉमेंट करके दसो तुसी केड़े जोन चलाते हो, तो तुहाडी ऑन एन एवरेज किन्नी इनकम हो जाती है। दो मिनट ही हुई सी अपने स्किप ऐप नू ऑन कीता, तो मैनू मेरा फर्स्ट ऑर्डर आ। हर एक डिलीवरी ड्राइवर जिहड़ा स्किप द डिशेस ओवर एट्स या डोर डैश लाउंदा है, उहदा एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट हुंदा है जिहदे तों उहनू कदे भी ऑन टाइम डिलीवरी नहीं मिलती, तो वह कितने ना कि उस रेस्टोरेंट तो खिजा ही रहता है। सो फार मेरे एक्सपीरियंस तो एक रेस्टोरेंट है जिन्हें अज तक ऑन टाइम कदे भी मैंने कोई डिलीवरी नहीं दी। तुम पिछे ना देख रहे होवोगे, उतो तुम समझ के होवोगे कि मैं किड़े रेस्टोरेंट की गल कर रहा। सो मैकडोनल्ड एक एवं का रेस्टोरेंट है जितों मैं अज तक ऑन टाइम डिलीवरी नहीं मिली। एंड आई फील लाइक अपने जो मोस्ट ऑफ द डिलीवरी जॉब्स करते हैं वो कितना कितने इस चीज़ को रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने सारिया के नाल ये चीज़ होंगी ही होनी है। ऑलराइट, साडी डिलीवरी आ चुकी है। यस, दैट्स द वन। गुड, ओके, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो ये अनएक्सपैक्टेड सी, जिन्हों कहते हैं कि वन इन अ थाउजेंड और वन इन अ मिलियन चांस जो होंगे वो मेरे नाल इस टाइम होया कि मैकडोनल्ड्स ने ऑन टाइम डिलीवरी दी। एंड आई वुड से एक मिनट पहला डिलीवरी दी। हाउ इज इट पॉसिबल, आपां नूं जाना चाहिए है फूड डिलीवर कर ले। सी यू। गाइज स्किप मैं कर चुका वा, फ्रैश भी हो गया वा आफ्टर ऑल दिस। नाउ इट्स टाइम कि मैडम की फ्रेंड भी ऑलमोस्ट आने वाली है वाटरलू एयरपोर्ट पर, तो मैं भी अपना फ्रैश वगैरह हो गया, तो मैं बस ऑलमोस्ट रेडी हाँ जाने लिए। सवेर की मैं चाह नहीं सी पीती, सो आई होप कि मैंने थोड़ी पी लेनी चाहिए, क्योंकि इतने विदाउट चाह लाइफ इज थोड़ी जी लेजी। सो चाह इज़ नीडिड, वैदर इज़ चाह, वैदर इज़ स्टीप टी, वैदर इज़ कॉफी, इट इज़ अ लाइफ लाइन। सो मिलते हैं नैक्सट ट्रांजिशन। सो ऑलमोस्ट 15 मिनट का राह है वाटरलू एयरपोर्ट का, जिते मैं रह रहा उतों। सो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग 20-25 मिनट तक उन्होंने लैंड हो जाना है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। एयरपोर्ट से ही मैं एटलीस्ट 10 मिनट लग गए एक पार्किंग लॉट लभन ले। सीरियसली यार, इन्ना ज्यादा गा पिया होया। राइट, पैडम इज़ बैक फ्रॉम हर शिफ्ट, तो यद बाद हम मैं शिफ्ट पर जाना है,
ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਔਰਤ ਕਰਕੇ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਜਸਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਲਮਾਰਟ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਸਮ ਹਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ, ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋਅ ਯੂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਫਰਾਟੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, $22 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਾਟੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਪਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਫਰੈਂਕਲੀ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਫਰਾਟਾਸ ਦੈਟ ਆਈ ਐਵਰ ਹੈਡ। ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੋੜਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ। $22 ਮੈਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਫਰਾਟੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਥਿੰਗ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਲੁਟਾਉਣੀ ਪਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਗੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਆਲਰਾਈਟ ਫਰੈਂਡਸ, ਫਰਾਟਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਰਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਆਈ ਨੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰਾਟਾ ਹੈ। ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਫਰਾਟਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਫਰਾਟਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਫਰਾਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਪੀਸ ਆਊਟ।